हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आल ऑफ यू अगेन टुडे आई एम हियर विद द चैप्टर नंबर सेवेन द रॉबिन ओके हियर द रॉबिन रॉबिन मींस हियर इज़ नॉट अ मीन ऑफ एनी पर्सन और एनी एनी अदर थिंग राइट इट इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड यू मस्ट रिमेंबर रॉबिन इज अ बेसिकली यूरोपियन बर्ड रॉबिन जो है एक तरह से यूरोप का एक बर्ड है पक्षी है राइट तो द रॉबिन रॉबिन द बर्ड राइट रॉबिन क्या है एक बर्ड है बेसिकली उसी से रिलेटेड यह आपका चैप्टर है सो so, देखो यहाँ क्या लिखा है हैव यू हीय बर्ड्स सिंगिंग हैव यू हीयर ड बर्ड्स सिंगिंग राइट हैव यू हीयर द बर्ड्स सिंगिंग क्या अपने बर्ड्स को गाते हुए सुने हो राइट right? Uh, बहुत सारे जो बर्ड्स है लॉट्स ऑफ बर्ड्स दे एक्चुअली सिंग्स वेरी वेरी नाइसली जैसे कि कोयल बर्ड के साउंड को आप सुने होंगे दैट सिंग्स सो स्वीटली लेटर ऑन देखो डू यू नो द नेम ऑफ बर्ड्स दैट सिंग क्या आपको पता है उन बर्ड्स के नाम जो गाते होंगे तो आप कुछ नाम बता सकते हो जैसे कि कोयल है अच्छा आप लोग क्या करना कि फ़ाइव बर्ड्स के नेम बताना दै दैट सिंग जो कि गाते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखो डज अ क्रो सिंग क्या जो क्रो है वो गाता है क्या उसका साउंड उसका साउंड जो है कैसे रहता है वाट इज़ अ साउंड मेड बाई इट कार्ल्ड जो साउंड क्रो निकालता है कौआ जिसको हम लोग इधर कौआ बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं तो आप लोग देखना कि कौआ का साउंड क्या रहता है काउ बोलते हैं ना ऑफिशियली इसको बोलते हैं सी ए डब्लू काओ राइट सी ए डब्लू काओ ऐसे करके उसको बोलते हैं तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रॉबिन सेंग स्वीटली। रॉबिन सेंग स्वीटली रॉबिन जो है मधुरता से गाता है राइट right? रॉबिन कैसे करता है मधुरता से गाता है रॉबिन सेंग स्वीटली रॉबिन बर्ड क्या करता है स्वीटली मधुरता से गाता है वेन द डेज वर ब्राइट जब दिन क्या होते हैं ब्राइट हो धूप खिला हुआ हो ब्राइट मीन्स होता है चमकीला द डेज़ मीन जो दिन है वेन मीन्स जब जब दिन क्या हो खिला हुआ हो या चमकीला हो या धूप खिला हुआ हो तब क्या होता है कि ये बर्ड्स जो है गाते हैं थैंक्स थैंक्स फॉर समर और गर्मी के दिनों के लिए धन्यवाद बोलता है क्योंकि गर्मी के दिन में ही धूप जो है खिला हुआ रहता है दैट्स वाई दैट्स वाई द बर्ड रॉबिन सेट थैंक्स थैंक्स फॉर समर समर मीन्स गर्मी के दिन में धूप खिला रहता है इसलिए वो धन्यवाद भी देता है ही सेंग विथ आल हीज माइट आल हीज माइट मीन्स अपनी पूरी शक्ति से या अपनी पूरी ताकत से वह क्या करता है गाता है ही सेंग विथ आल हीज माइट अपने पूरी शक्ति से वह गाता है ऑल हीज़ माइट मीन्स अपने पूरी शक्ति से सेंग मीन्स गाया अपने पूरी शक्ति से वह गाया राइट ही सेंग विथ all हीज माइट रॉबिन सेंग स्वीटली उसके बाद आगे जो है बोलते हैं कि रॉबिन सेंग स्वीटली Robin जो है मधुरता से गाता है इन ऑटम डेज ऑटम डेज मीन्स शरद ऋतु के दौरान या इसको पतझड़ के दिन भी बोलते हैं राइट right? जब जब दिन जो है अभी सितंबर अक्टूबर का जो टाइम था तो उस टाइम क्या होता है कि गर्मी चला जाता है और जो बारिश है वो चला जाता है बेसिकली और ठंड का हमें एहसास जब स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं ऑटम डेज तो रॉबिन सेंग स्वीटली इन ऑटम डेज़ तो रॉबिन जो है ऑटम डेज अर्थात जो शरद ऋतु या पतझड़ के टाइम मधुरता से गाता है अच्छा उस टाइम क्या होता है कि देखो देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन देर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन सब के लिए फल होते हैं ईस्ट इस दौरान पतझड़ के दौरान या शरद ऋतु के दौरान क्या होता है कि फ्रूट्स खिले रहते हैं राइट अलग अलग टाइप के तो देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन सब के लिए फ्रूट्स अवेलेबल है बोलता है राइट देर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन सब के लिए फल है बोलता है अवेलेबल है लेट्स ऑल गिव फ्रेज लेट ऑल गिव प्रेज चलो सब क्या करें प्रशंसा करें लेट ऑल गिव प्रेज मीन्स चलो सब प्रशंसा करें प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना ठीक है ऑटम डेज़ का क्योंकि सबके लिए फल भी होते हैं ऑटम डेज में और उसके बाद इन द कोल्ड एंड विंट्री विदर इन द कोल्ड एंड विंट्री विदर कोल्ड मीन्स सर्द मौसम में विंट्री मीन्स जाड़े के दिन में आप बोल सकते हो वेदर मीन्स मौसम में तो कोल्ड और ठंड मौसम में स्टिल हीयर हिज सॉन्ग स्टिल हीयर अभी भी हमें उसका जो सॉन्ग है वो सुनाई देता है स्टिल हीयर हिज सॉन्ग मीन्स अभी भी उसका जो सॉन्ग है वो सुनाई देता है मतलब अभी भी जो ये रॉबिन है वो गा रहा होता है सम बडी मस्ट सिंग सैड रॉबिन और रॉबिन बर्ड जो बोलता है कि आपको या समबडी किसी को मस्ट मीन्स निश्चित रूप से या चाहिए सिंग मीन्स गाना तो किसी को गाना ज़रूर चाहिए बोलता है रॉबिन बर्ड और विंटर विल सिम लॉन्ग या क्या होगा अगर हम गाना नहीं गाएंगे तो ये जो विंटर है सिम लॉन्ग मीन्स ये लॉन्ग प्रतीत होगा लंबा टाइम निकल गया विंटर में जैसे लगेगा राइट right, जाड़े के दिन में आप लोग देखना विंटर के टाइम अब आ रहा है ना विंटर ये जो हम लोगों का टाइम है ये विंटर टाइम है तो इस टाइम क्या होता है कि अगर हम गाना नहीं गाएंगे समबडी मस्ट सिंग किसी को गाना गाना चाहिए नहीं तो आर विंटर, विंटर विल सिम लॉन्ग या तो विंटर जो है बहुत ही लंबा दिखाई देगा राइट लंबा दिखाई देगा ना आगे बढ़ते हैं वेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन वेन द स्प्रिंग स्प्रिंग किसको बोलते हैं वेन द स्प्रिंग वेन द स्प्रिंग कम बैक अगेन और जब स्प्रिंग uh, जो है स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु वेन द स्प्रिंग कम बैक अगेन और जब बसंत ऋतु आता है वापस या पुनः बोल सकते हो कम बैक अगेन मीन्स पुनः जब बसंत ऋतु वापस आता है ही सेंग तो वह गाता है ये रॉबिन बर्ड आई टोल्ड यू सो मैंने आपको बोला था ऐसे करके वो बोलता है कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर गाते रहो विंटर के दौरान जब टाइम विंटर का हो या ठंड का मौसम हो तो आपको गाते रहना चाहिए इट विल ऑलवेज गो यह तो चला जाएगा यह जो विंटर का टाइम है यह चला जाएगा तो इस तरह से ये रॉबिन बर्ड बोलता है तो देखो एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं रॉबिन सेंग स्वीटली रॉबिन जो है मधुरता से गाता है वेन द डेज वर ब्राइट जब दिन क्या होते हैं खिले हुए होते हैं थैंक्स थैंक्स फॉर समर गर्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ही सेंग विथ आल हीज़ माइट वह अपने पूरी ताकत से गाता है पूरी शक्ति लगा कर गाता है रॉबिन सेंग स्वीटली रॉबिन जो है मधुरता से गाता है इन इन द ऑटम डेज पतझड़ के दिनों में या शरद ऋतु को दिनों में देर आर फ्रूट्स फॉर एवरी सभी के लिए फल अवेलेबल होते हैं लेट आल गिव प्रेस चलो सभी क्या करें प्रशंसा करें इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर और ठंड के मौसम में स्टिल हियर इज सॉन्ग अभी भी अभी भी हम गाना सुन सकते हैं सम बडी मस्ट सिंग सेड रॉबिन और रॉबिन बर्ड बोलता है कि किसी को ज़रूर गाना चाहिए आर विंटल सिंग विंटर वील सिम लॉन्ग नहीं तो ये जो जाड़े का टाइम है बहुत ही लंबा लगेगा या बहुत ही लंबा प्रतीत होगा वेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन और जब वसंत ऋतु का टाइम आता है ठीक है जब वसंत ऋतु का टाइम आता है तो ही सेंग आई टोल्ड यू सो तो वह गाते हुए बोलता है कि मैं आपको बोल दिया था गाने के लिए कीप आन सिंगिंग थ्रू द विंटर जाड़े के दिन में या विंटर के टाइम में हमें सिंगिंग करते रहना चाहिए इट विल ऑल्सो गो यह भी क्या है चला जाएगा राइट तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग कीप स्टडी एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप ट्राई करो कि उसे एक बार सॉल्व कर लो नहीं तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको आगे नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे थैंक यू स्टूडेंट